रिप्लेसमेंट क्या था? हम कोई रिप्लेसमेंट नहीं थी, हम स्पेयर टायर नहीं रखते। हम स्पेयर टायर नहीं रखते, ये कहना है मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का। लेकिन कमलनाथ आखिर किसे स्पेयर टायर कह रहे हैं, आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूँ आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। दरअसल मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अंतिम पड़ाव पर है। आगरमालवा वो आखिरी जिला है जहां पर मध्य प्रदेश से ये यात्रा राजस्थान में प्रवेश कर जाएगी। आगरमालवा पहुंचने के बाद कमलनाथ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस स्पेयर टायर नहीं रखती है। दरअसल कमलनाथ से सवाल पूछा गया था कि कांग्रेस में सिंधिया का रिप्लेसमेंट क्या होगा। इस सवाल के जवाब में कमलनाथ ने कहा कि हमें रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है, कांग्रेस स्पेयर टायर नहीं रखती है। हम कोई रिप्लेसमेंट नहीं थी, हम स्पेयर टायर नहीं रखते। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान खासतौर पे मध्य प्रदेश में सिंधिया के ऊपर निशाना साधा गया हो। इससे पहले राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जो विधायक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं वो भरोसे के लायक नहीं। और अब कमलनाथ ने सीधा निशाना जो कृत्य सिंधिया के ऊपर साधा है और उनको स्पेयर टायर तक कह दिया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन 2020 में सिंधिया अपने समर्थित विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिसकी वजह से कांग्रेस की बनी बनाई सरकार गिर गई थी और बीजेपी की वापसी सत्ता में हो गई थी। उसके बाद से लगातार कांग्रेस सिंधिया उनके समर्थित विधायकों के ऊपर हमला कर रही थी और इसी कड़ी में आज कमलनाथ ने सिंधिया को स्पेयर टायर तक कह दिया है। हालांकि ये भी देखना होगा कि भारत जोड़ो यात्रा का कितना असर मध्य प्रदेश के 2023 के विधानसभा चुनाव में होगा और कांग्रेस को कितना फायदा इस यात्रा से मिलने वाला है। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए।